अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ीशान समद। मेरा ताल्लुक़ किसी पार्टी से नहीं, किसी भी पार्टी से नहीं, मैं न्यूट्रल हूँ। लेकिन हाँ, मेरा ताल्लुक़ उस इंसान से है, उन लोगों से है जो इंसानियत के बारे में सोचता है। सुबह 8:30 बजे गाड़ी दरवाजे पे आई, मेडिसिन्स रखी हमने और अल्लाह की राह में निकल पड़े, अल्लाह का नाम लेकर। हमारी टीम में डॉक्टर सूरज, हरेश, इरफान, शिराज और ये आपका भाई ज़ीशान अल्लाह के हुक्म से निकल पड़े। कपरी मोड़ी रुके और इलाज शुरू किया जी। कपरी मोड़ी से ज़मीन पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे डॉक्टर सूरज और डॉक्टर अयूब जो कि अपने पेशेंट्स को देख रहे हैं और जितने जो सैलाब जदगान लोग हैं उन्हें यहाँ चेकअप किया जा रहा है। और शिराज आ रही और जो हरेश है वो मेडिसिन पे खड़े हुए हैं और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेडिसिन जो डॉक्टर्स पर्चीज रिसिप्ट लिख कर दे रहे हैं उसके हिसाब से मेडिसिन दे रहे हैं, जिसमें मेडिसिन में मलेरिया की मेडिसिन, मलेरिया की टेस्ट जो कि इरफान, हमारे पास सुपरवाइज़र इरफान लेगारी जो कि मलेरिया सुपरवाइज़र है वो भी हमारे साथ है, जो कि मलेरिया की टेस्ट कर रहा है। साथ साथ मलेरिया के टेस्ट के साथ साथ उसे मलेरिया की मेडिसिन भी दी जा रही है। काफ़ी पेशेंट्स को चेक किया, उनके मलेरिया टेस्ट हुई, उन्हें मलेरिया की मेडिसिन दी गई, इंजेक्शंस और भी बहुत कुछ, जितना हो सका उतना किया। ऑलमोस्ट 800 के करीब हमने पेशेंट्स देखे और 800 के करीब पेशेंट्स देखने के साथ साथ उन्हें मेडिसिन की भी मुहैया की। मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ मिस्टर मुमताज़ खान चंग का, जिन्होंने इतना दूर रहकर अपने लोगों के बारे में सोचा, अपने गाँव वालों के बारे में सोचा, रंग नस्ल का सोचा नहीं, बस अल्लाह की राह में तकसीम करते गए, डोनेट करते गए। हमें चाहिए कि हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अल्लाह की राह में दें। रोजमल है, मैं मेडिकल ऑफिसर आर सी ठहरी हूँ। अभी हम यहाँ पे कपरी मोरी की साइड पे आए हुए हैं, मेडिकल कैंप लगाया जिसमें हमने बहुत से तकरीबन 500 से 600 पेशेंट हमने देखे हैं, जिसमें ज़्यादातर पेशेंट हमें स्किन इन्फेक्शन, डायरिया और मलेरिया फीवर के ऑलमोस्ट हमें ये मिल रहे हैं। तो जितने भी हमने पेशेंट अभी तक देखे हैं उसमें से 60-70% जो हमें पेशेंट मिल रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि हम पानी में चलते हैं, उसी वजह से हमारे पाँव में इन्फेक्शन हो गया है। और मेजॉरिटी केसेस जो है ना 70-80 स्किन इन्फेक्शन दे रहे अजय साईं ममता चांग जहाँ वाला बड़ी मेहरबानी लाइक थे मोहम्मद दीन चांग में जो फ्री मेडिकल कैंप लगाई उनके हम सलाम चवा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टेक्सास के सदर के इन इलाके में जो डॉक्टर साहब गाल की जो पेशेंट जो स्किन डिजीज से डायरिया के डिजीज से जो असा आया मोस्टली एयू आर के हिसाब से भी आया इन इलाके में तमाम घनी जरूरत हुई कैंप की अवेयरनेस की, हेल्थ अवेयरनेस की भी पेशेंट की जरूरत है इतने डॉक्टर साहब की ममता साहब की बड़ी मेहरबानी इन इलाके में कैंप लगाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा ये बताएंगे कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डिजीज किस चीज़ की पाई गई है? अच्छा यहाँ पे स्किन के मेजॉरिटी के हवाले से मेजॉरिटी ये स्किन और डायरिया, स्किन और डायरिया, स्किन और डायरिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये आज ममताज चांग साहब की तरफ से यूसी गाजी खान चांग में फ्री मेडिकल कैंप जो है वो उन्होंने सारा सिलसिला शुरू किया और मुख्तलिफ गाँव में जाएंगे। आज जो है वो गाँव मोहम्मद दीन चांग में आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे मेल फीमेल जो है स्कूल में बैठे हैं, सबका फ्री इलाज चल रहा है। और ये क्योंकि ये एक बड़ी आफत है तो ये हम सब मिल के ही इसको हैंडल कर सकते हैं, ये एक किसी शख्स की बात नहीं है। ऐसे दोस्त ममता चांग जैसे जो दोस्त हैं वो भरपूर जो हैं वो तावन कर रहे हैं। वैसे तो वो अमेरिका बैठे हैं लेकिन उन्होंने अपनी जो लोकल उनका एरिया है उनकी वहाँ से बैठ के खिदमत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तू हबीब तू तबीब तू दर्दन की दवा तू दी तू नाही दातर के दुखंदन जडे फतू फर्क कन तडे अमर थे उनके। पर दोस्तों जी तो असा यूसी गाजी खान चांग के बोड मुतासर गोठ मोहम्मदीन चांग में जेका मेडिकल कैंप असाजे भा ममताज अली चांग साहब जो अमेरिका रहन था उन्होंने कावशन से मोहतरम अली असगर हाले पोटे साहब अब्दुल वाहिद हाले पोटे साहब जो मेहरबानी जी उसा टीम में शामिल आहन। कहते हैं ना कि देने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दुआओं की दरख्वास्त, आपका भाई ज़ीशान समद।